जय यीशु सभी को। बैन फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं इस स्तुति और आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। बाइबल में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और मिलकर भजन स्त्रोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। तो भजन स्त्रोत्र और आध्यात्मिक गीत गाने से हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी आवश्यकता है। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का नहीं है। यानी पवित्र आत्मा हम पर मोहर लगाता है कि हम मसीह के हैं या नहीं हैं। तो अगर हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो हम मसीह के हैं और उसकी संतान हैं। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की संतान बना देता है और विश्वास दिलाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अजेकिल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। और पवित्र आत्मा किसे दिया जाता है? जो मांगेगा। यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 में, यीशु ने कहा मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी अवश्य ही मांगने वालों को पवित्र आत्मा दिया जाता है। ना केवल हमें एक बार बल्कि बार बार हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, ताकि हम आत्मा में जीवन जी सकें, आत्मा से संचालित जीवन जी सकें। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन लोग आत्मा में संचालित जीवन नहीं देते हैं। इसलिए हम इस स्तुति और आराधना में विशेष प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा ग्रहण करें और आत्मा से संचालित जीवन जी सकें। तो हम एक सुंदर गीत इस समय गाने जा रहे हैं, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। गीत तभी आप गा पाएंगे जब आप आत्मा से भरे हैं। यीशु के गीत जहाँ मर्जी वहाँ तभी गा पाएंगे जब आत्मा से भरे होंगे। नहीं तो क्या होगा, अभी यीशु के गीत गाएं, थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे, आत्मा नहीं है तो दूसरे गीत शुरू हो जाएंगे, तो दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। अभी यहाँ पर प्रार्थना करके गए, स्तुति आराधना करके गए, वचन सुनकर गए, आत्मा नहीं है, बाहर जाके अन्य बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा हमें प्रभु में जीवन जीना सिखाता है ना। पवित्र आत्मा हमें प्रभु में जीवन जीना सिखाता है। तो इसलिए हम प्रार्थना करें, ना केवल ये गीत है बल्कि ये प्रार्थना है, आत्मा से भर दे मुझे। तो प्रार्थना में तरीके से इस गीत को हम गाएंगे, बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी लगन के साथ, विश्वास के साथ। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, कही रही आत्मा से भर दे मुझे, 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 कही रही आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। ऐसा यीशु कर दे मुझे,
सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत मेरे का, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत मेरे का, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी। देता है सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे का, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे का, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हे प्रभु येसु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। प्रभु येसु ने कहा, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं,
मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा। हालेलुया। हे यीशु, इसी समय पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, हमें अभिषेक दीजिए। इसी समय तेरे पवित्र आत्मा से सारे लोगों को भर दीजिए, अभिषेक दीजिए। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा हमें देते हैं, प्रदान करते हैं, अभिषेक देते हैं। अपनी आंखें इस समय बंद रखें। सब लोग इस समय अपनी आंखें बंद रखें। अपने मन में विश्वास कीजिए कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से इसी समय भरेंगे। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मेरा जीवन तेरे बिना कुछ नहीं है। मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं पवित्र आत्मा। मैं करूं भी तो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं क्या बोलता हूं, क्या सुनता हूं, कैसे जीता हूं, ये प्रभु को पसंद है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तू जानता है। क्योंकि तू हृदय की थाह लेता है, तू ईश्वर के हृदय की भी थाह लेता है। मुझ में उतर आइए पवित्र आत्मा। बातें कीजिए पवित्र आत्मा से, कहिए पवित्र आत्मा मुझ में उतर आइए। मैं तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूं, तू आ, मुझे अपनी हजूरी से भर, अपने मस्सा से भर, मुझे छू तेरी शिफा से, मुझे भर अपनी दया से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आप वैसे नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आप नए बन जाएंगे, आप दूसरे बन जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आप चंगे हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आपके अंदर जो जीवन नहीं है आपके अंदर जीवन आ जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आपके अंदर बल नहीं है बल आ जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आप जो डरते हैं आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आप खड़े हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आप नए बन जाएंगे, आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे अब हैं। इसलिए हमारी जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएं। प्रार्थना करें, आप पवित्र आत्मा मुझको छू, मुझको तेरी हजूरी से छू। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। पवित्र आत्मा आइए। प्रार्थना करते जाइए। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे अपना मसा, तू आ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। पुकारते जाना मेरे भाई, पुकारती जाना मेरी बहन।
मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू तू अपनी दया से, मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आ कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फसल तू, ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ रुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ
नहीं है। और एक बार कहिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ अभिषेक को अनुभव करें, पवित्र आत्मा की कृपा को अनुभव करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस समय आपको घेर रही है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस समय आपके चारों ओर है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस समय आपके जीवन में छाई हुई है। पवित्र आत्मा की एक गहरा बादल आपके जीवन में, आपके चारों ओर, आपके ऊपर इस समय छाया हुआ है। सिमियोन के जैसे ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, ठीक उसी प्रकार इस समय आपके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं। प्रार्थना करें मेरे भाई, प्रार्थना करें मेरी बहन, इस समय स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम पर। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा आपके जीवनों को नया बना दे। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि पवित्र आत्मा अपनी पूर्ण उपस्थिति में, अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ, अपनी पूर्ण कृपाओं को लेकर, सारे वरदानों और सारे फलों को लेकर यीशु के नाम पर इसी समय आपके जीवन में उतर आए और ठहर जाए, आपकी जिंदगियों को बदल दे, आपके परिवारों को बदल दे, आपके घरों को बदल दे, आपके बिगड़े कामों को बनाए, आपकी बीमारियों को इसी समय यीशु मसीह नाजरी के नाम पर ठीक हो जाने का आदेश देते हैं यीशु के नाम पर। जो लोग पवित्र आत्मा की प्यासे हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, लबालब भर दीजिए, लबालब भर दीजिए। इसी समय स्वर्ग द्वार को खोल दे पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर। जैसे यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, सिमियोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, पेंतेकोस्त के दिन में चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इसी समय चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा इन सब के जीवन में इसी समय होने लग जाए, होने लग जाए, होने लग जाए। यीशु इसी समय इनको छूइए। जो लोग प्रभु जी तेरे लिए तरस रहे, जिन लोगों ने अपना हृदय तुझे दिया है, जो लोग अपने पूर्ण मन से, पूर्ण प्यास से, पूर्ण भूख से तुझे इस समय पुकार रहे हैं, उनके जीवन में इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक क्रियाशील हो जाए, क्रियाशील हो जाए। प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा से भरिए। सब लोग इस समय अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करें अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी भाषा में। अगर आपको अन्य भाषा के वरदान है, प्रार्थना करें। इसी समय आपके जीवन को पवित्र आत्मा इसी समय तोड़ मरोड़ कर नया बनाने जा रहा है। कई लोगों के जीवन को इसी समय पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलने जा रहा है। आपकी बीमारी को प्रभु बदलने जा रहा है, आपके जीवन को प्रभु बदलने जा रहा है, आपके घर को प्रभु बदलने जा रहा है। स्तुति करते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरिए, पवित्र आत्मा आइए, छूइए छूइए, पवित्र आत्मा छूइए, एक एक को छूइए, एक एक को भरिए पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन में अधिकार लीजिए पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड,
मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, विश्वास करना कि प्रभु ने आपको छुआ है। यदि आपके जीवन में इस समय शांति का अनुभव है, प्रभु ने आपको छुआ है। यदि आप अपने जीवन में इस समय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इस समय आपको प्रार्थना करने का वरदान मिल रहा है, यदि आपको और मन हो रहा है प्रार्थना करने का, ये प्रभु का अनुभव है, प्रभु का स्पर्श। विश्वास करें कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है, आपके जीवन में आशीष दे दी है, सब कुछ हो गया है। विश्वास पर नहीं तो यदि आप विश्वास करेंगे, आपको मिल गया है। वचन कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। बोलिए आमीन, 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 आमीन। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई भी आपकी गवाही है, आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके बता सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री आपको अभिवादन करती है, आपको धन्यवाद देती है। प्रभु आप सभी को आशीष दे और छुए। यीशु के नाम में आमीन। सबको जय।